हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पे कि आप प्लीज़ डिफरेंट तरह से विंग लाइनर सिखाएं। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं विंग लाइनर पे, तो आज मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप डबल विंग लाइनर अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिक विंग लाइनर पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। अगर आपकी छोटी आंखें हैं, हुडेड आईज हैं, किस तरह से आपको विंग लाइनर ड्रॉ करना है, अगर आपकी नॉर्मल आईज भी हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप ज़रूर चेक करें वो सारी वीडियोस। और इस तरह का डबल विंग लाइनर अगर आप थोड़ा सा अरेबिक लुक क्रिएट करें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और स्पेशली अगर आप बहुत हैवी आई मेकअप नहीं करना चाहते तो इस तरह का विंग लाइनर वेडिंग में भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट्स भी पहनते हैं उनके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है ये लुक। आप चाहें तो आप रेड कलर की लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं विंग लाइनर के साथ, तो बहुत ही डिफरेंट लगता है। और मैंने जो सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लें प्लीज़। और साथ में अगर आपको इस तरह की बेसिक वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँ। ढेर सारा शेयर करें इस वीडियो को एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो अगर आप सीखना चाहते हैं किस तरह से आपको डबल विंग लाइनर क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले ब्राउज से स्टार्ट करते हैं। मैं रेवोल्यूशन का पॉमेड यूज कर रही हूँ और अप्लाई करने के लिए आप इस तरह का एंगल ब्रश यूज करेंगे। आप चाहें तो इस पॉमेड के साथ ब्रश भी आता है, तो वो भी थोड़ा सा स्टिफ एंगल्ड होता है, उसके साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सेपरेटली कोई भी ब्रशेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अच्छे से पॉमेड के साथ अपनी ब्राउज को पहले लाइन करूँगी, उसके बाद लाइटली मैं फिल कर लूँगी। तो फ्रंट पार्ट पे मैं हमेशा बोलती हूँ आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं अप्लाई करना, जो भी ब्रश पे लगा होगा उससे आप इस तरह से अपवर्ड स्ट्रोक्स दें। मैं डार्क ब्राउन कलर का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी आई शेडो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैट होना चाहिए। और उससे मैं लाइटली सेट कर लूँगी अपनी ब्राउज को इस तरह से, तो बहुत ही लाइटली फिल कर रही हूँ। अब आई मेकअप शुरू करने से पहले आपको बेस अप्लाई करनी है। आप कंसीलर चूज़ कर सकते हैं या फिर आप आई शेडो प्राइमर चूज़ कर सकते हैं। आपको फाउंडेशन नहीं अप्लाई करनी क्योंकि आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो थोड़ा सा थिक होता है, क्योंकि अगर वो थिक नहीं होगा तो उस पर आपके आई शेडोज वाइब्रेंट नहीं लगते और बहुत आपकी पिगमेंटेशन अगर है वो हाइड नहीं होती, तो इसलिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। और मैंने आई शेडोज़ नहीं अप्लाई किए, बट मैं थोड़ा सा ट्रांजिशन शेड अप्लाई करूँगी, इसलिए मैं अच्छे से अपनी आईलिड्स को प्राइम कर रही हूँ ताकि पिगमेंटेशन हाइड हो जाए। वैसे भी जब भी आप आईलाइनर अप्लाई करते हैं तो अच्छे से प्राइम करें अपनी आईज़ को, उससे आपका आईलाइनर ज़्यादा वाइब्रेंट लगता है। अब मैं सेट कर लूँगी कंसीलर को प्रेस पाउडर के साथ, आप चाहें तो आप लूज़ पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। तो अच्छे से मैं सेट कर रही हूँ, तो दूसरी आँख पे भी सेट कर लूँगी मैं। आई शेडो के लिए मैं स्विस ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरह का शेड यूज़ करना है पहले, तो मैं बहुत ही लाइटली इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी। तो मैंने सिर्फ एक ही शेड यूज़ किया है क्योंकि जब भी आप विंग लाइनर क्रिएट करते हैं आप थोड़ा सा डायमेंशन दें अपनी आईज़ में, तो आप क्रीज में शेड ज़रूर अप्लाई करें। ट्रांजिशन कलर आप चाहें तो आप डार्क ब्राउन शेड भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी आईज़ स्पेशली जब आप विंग लाइनर क्रिएट करते हैं तो डल नहीं लगती, बहुत ही अच्छी लगती है और प्रॉपर डायमेंशन आती है आपकी आईज़ में। तो आप ट्राई करके देखें, आप बिना ट्रांजिशन शेड के विंग लाइनर अप्लाई करें तो आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा डायमेंशन नहीं ऐड होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी जब आप साथ में ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं विंग लाइनर के साथ। तो मैं दूसरी आंख पे भी इस तरह से अप्लाई कर लूँगी। और अप्लाई करने के लिए आप हमेशा कोशिश करें आप फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रशेज यूज़ करें इस तरह के, तो बहुत सारे ब्रशेज अवेलेबल हैं मार्केट में, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं ये लाइट शिमर आई शेडो ले रही हूँ और अप्लाई करने के लिए एक स्मॉल पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं, और मैं इसको अपनी ब्राउबोन पे अप्लाई करूँगी। अब ब्राउबोन शेड अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है, अगेन आपकी आईज़ लिफ्टेड लगेंगी तो आपका विंग लाइनर बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आप ध्यान में रखें। तो मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर लूँगी। अब विंग लाइनर के लिए मैं सिग्मा का जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप मेबेलिन का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए मैं आईलाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ सिग्मा का ही। तो सबसे पहले स्टेप में आपको नॉर्मल आईलाइनर ड्रॉ करना है क्लोज टू योर लैश लाइन, उसके लिए आप हल्का सा इस तरह से ब्रश पे अप्लाई करें और लाइटली इस तरह से लाइन करें क्लोज टू योर लैश लाइन। ये वाला जेल लाइनर बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डार्क है बट बहुत ही क्रीमी है, तो आप इजीली विंग लाइनर क्रिएट कर सकते हैं। अगेन आप चाहें तो आप मेबेलिन का जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं।
इस तरह से मैं थोड़ा सा थिक ड्रॉ कर रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको विंग क्रिएट करना है जहाँ पे आपकी वाटर लाइन एंड होती है, इस तरह से। अब ये सब बिगनर्स के लिए है, आप इस तरह से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लाइंस ड्रॉ करें या फिर डॉट्स ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों लाइंस को आपको ज्वाइन करना है। फिर अगर आप डॉट्स के बिना करेंगे तो अगर आपको पता नहीं चलेगा कैसे ज्वाइन करना है, तो आप इस तरह से डॉट्स पहले ड्रॉ कर लें और फिर मैं लाइनर को फिल कर लूँगी इस तरह से, और लाइटली मैं एक्सटेंड भी करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा लंबा लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो स्पेशली जब आप डबल विंग लाइनर क्रिएट करते हैं उसमें आप थोड़ा सा लंबा रखें एंड से विंग को, तो इस तरह से मैं फिल कर लूँगी। तो अगेन जैसे मैंने आपको कहा, मैं लाइटली एक्सटेंड कर रही हूँ विंग लाइनर को। अब मैं लिक्विड लाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये लैक्मे का है, आप कोई भी यूज़ कर लें, क्योंकि विंग लाइनर जब आप जेल लाइनर अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो एक प्रॉपर फिनिश लाने के लिए आप उसके ऊपर हल्का सा लिक्विड लाइनर ड्रॉ करें। तो इस तरह से मैं लिक्विड लाइनर के साथ अच्छे से फिल कर लूँगी, जो भी गैप्स हैं थोड़े से भी वो अच्छे से फिल हो जाएंगे इस तरह से। और ये वाला आई लाइनर बहुत ही अच्छा है, ये मैट लाइनर है, बिल्कुल भी इसमें शाइन नहीं है। अब नेक्स्ट मैं सेम जेल लाइनर के साथ काजल अप्लाई कर रही हूँ अपनी वाटर लाइन पे इस तरह से। तो मैंने एक्स्ट्रा कोई काजल पेंसिल नहीं यूज़ किया, आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ कर रही। तो मैं सेम जेल लाइनर के साथ काजल अप्लाई कर रही हूँ इस तरह से। तो जेल लाइनर स्मच प्रूफ होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं अगर आप एज अ काजल यूज़ करना चाहते हैं। अगेन मैं मेबिलिन का भी यूज़ करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको लाइटली इनर कॉर्नर से अपने आई लाइनर को एक्सटेंड करना है इस तरह से। तो आप नीचे देखेंगे तो तब करें, सामने देख के ना करें, और लाइटली आप अपनी आईज़ को हल्का सा क्लोज करके रखें तो बहुत ही ईजिली आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सेम जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ। अब नीचे से मैं एक और लाइन ड्रॉ करूँगी, तो जहाँ मैंने काजल अप्लाई किया है उसके थोड़ी सी नीचे आपको सेम जेल लाइनर के साथ लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, जितनी आप थिक कर सकते हैं, जितनी आपको थिकनेस चाहिए आप थिक कर लें, और एंड तक लेके आऊँगी मैं इस तरह से। तो ध्यान रखें आप लाइटली अप्लाई करते जाएं। अब मैंने थोड़ा सा थिन रखा है, अब मैं थिक करती जाऊंगी उसको। तो पहले मैं आउटर कॉर्नर से एक्सटेंड कर रही हूँ और ज्वाइन करूंगी इनर कॉर्नर पे इस तरह से। अब नेक्स्ट में आपको जो डबल विंग लाइनर क्रिएट करना है, तो जहाँ पे आपकी वाटर लाइन एंड होती है उसके थोड़ी सी नीचे से आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो रहा था। तो इस तरह से आपको वाटर लाइन की थोड़ी सी नीचे आपको एक्सटेंड करना है, और पैरेलल टू जो आपने ऊपर वाला विंग ड्रॉ किया है उसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए लाइन। तो इस तरह से आप क्रिएट करेंगे, डोंट वरी थिक नहीं है। अब मैं लिक्विड लाइनर यूज़ करूँगी, उससे मैं इसको थोड़ा सा थिक करूँगी। तो इस तरह से आपको दूसरा वाला विंग एक्सटेंड करना है, आप बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ सकते हैं इस तरह से, और मैं अब नीचे से हल्का सा थिक करती जाऊंगी। तो लाइटली आप थिक करते जाएं, आप चाहें तो आप जेल लाइनर से भी थिक कर सकते हैं, बट मुझे लिक्विड लाइनर से इजी लग रहा था, तो मैं लाइटली थिक करती जाऊंगी जितना मुझे थिक चाहिए नीचे से इस तरह से। अब नेक्स्ट मैं लिक्विड लाइनर रीअप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे इस तरह से, थोड़ा सा थिक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, अब शेप आप अपने हिसाब से देख लें। तो ऊपर भी मैं थोड़ा सा रीअप्लाई कर लूंगी फिर से, इस तरह से। अब फॉल्स लैशेस के लिए मैं बिफोर एंड लैशेस यूज कर रही हूँ, और मैं थोड़ी ड्रामेटिक यूज की हैं। आप चाहें तो आप थोड़ी सी नेचुरल लैशेस भी यूज कर सकते हैं, बट विंग लाइनर के साथ ड्रामेटिक लैशेस बहुत ही अच्छी लगती हैं। और स्टिक करने के लिए मैंने आडेल की लैश ग्लू यूज़ की है, अगेन आप कोई भी लैश ग्लू यूज़ कर सकते हैं, और आपको थोड़ी देर वेट करना है ताकि लैश ग्लू ड्राई हो जाए, उसके बाद आप स्टिक करेंगे तो बहुत ही इजीली स्टिक हो जाएगी। इस तरह से मस्कारा के लिए मैं लैक्मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, और मैं अच्छे से कोट करूँगी अपनी लैशेस को इस तरह से। तो मैं अपर लैशेस को भी कर रही हूँ ताकि मेरी नेचुरल लैशेस जो हैं वो फॉल्स लैशेस के साथ अच्छे से ब्लेंड हो जाएं, स्पेशली जब आप ड्रामेटिक लैशेस अप्लाई करते हैं तो गैप नज़र नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से मैं अप्लाई कर लूँगी। अब मैं लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ सेम मस्कारा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइज। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, आप इसी तरह से सारे स्टेप्स फॉलो करें, और आप नोट कर सकते हैं जब मैंने ट्रांजिशन शेड अप्लाई किया है उससे बहुत ही अच्छी डायमेंशन ऐड हो गई है,
और इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आप बेसिक वीडियोस देखेंगे पहले मेरे चैनल पे किस तरह से आईलाइनर अप्लाई करना है, अगर आपकी छोटी आंखें भी हैं तो आप वो वाली वीडियोस चेक करें, और सेम तरह से आप ये वाली फॉलो कर सकते हैं वीडियो, और आप ज़रूर क्रिएट करके देखें। स्पेशली वेडिंग के लिए आप बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करना चाहते हैं अपना आई मेकअप, तो आप आई शेडो छोड़ के आप विंग लाइनर क्रिएट करें, इस तरह का डबल विंग लाइन, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक करें इस वीडियो को, ढेर सारा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप रीट्राई करें तो मुझे टैग ज़रूर करें ऑन माई इंस्टाग्राम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।